नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 नवंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार का SSO ID होना जरूरी है। साथ ही जिन उम्मीदवार के पास SSO ID नहीं है, वे वेबसाइट पर जाकर SSO ID बना सकते हैं। बता दें कि आवेदन की आखिरी तारीख 3 दिसंबर 2021 है। राजस्थान के खेल प्रेमियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। गृह विभाग ने 17 नवंबर को जयपुर के SMS स्टेडियम में होने वाले T20 मुकाबले में दर्शकों की मौजूदगी की अनुमति दे दी है। कोरोना गाइडलाइन के तहत दर्शकों को मैदान में प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान कोरोना वैक्सीन की एक डोज लगवाने वाला व्यक्ति मैदान में बैठ भारत न्यूजीलैंड का मैच देख सकेगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने पिछले दिनों सरकार से 100% दर्शकों की मौजूदगी में T20 मैच के आयोजन की अनुमति मांगी थी। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर सकेंगे। इससे पहले वैश्विक महामारी कोरोना गाइडलाइन के चलते रविवार मासिक मेले एकादशी एवं द्वादशी को भक्त दर्शन नहीं कर पाते थे। सरकार के निर्णय के बाद अब भक्त मंदिर में रोज दर्शन कर सकेंगे। राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला बाल विकास परियोजना के अधीन संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए, लेकिन भीलवाड़ा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4 साल बीतने के बावजूद स्मार्टफोन नहीं मिल सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकारी खर्च पर मोबाइल फोन मिलने व उसके विभाग द्वारा रिचार्ज करने की उम्मीद में अभी तक कई रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन सरकार प्रदेश के कई जिलों में स्मार्टफोन बांटकर कईयों को भूल गई है। सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे की अजीतगढ़ PG कॉलेज में बुधवार सुबह घुसे पैंथर को 4.5 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। जयपुर के चिड़ियाघर की टीम ने स्टोर रूम की खिड़की को काट कर उसे इंजेक्शन गन से बेहोश कर काबू में किया। इसके बाद उसे पिंजरे में डालकर ले जाया गया। रेस्क्यू टीम के डॉक्टर अशोक तंवर ने बताया कि पैंथर नर था जो करीब 4 साल का था। खिड़की से देखने पर वह कमरे से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद इंजेक्शन लगाकर काबू किया गया। नोबल पुरस्कार विजेता और लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने वाली मलाला यूसुफजई शादी के बंधन में बंध गई है। यह शादी समारोह यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों परिवार वाले शामिल हुए। पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ब्रिटेन के बर्मिंघम में एक छोटे समारोह के दौरान शादी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। जोधपुर जिले के करवट थाना अंतर्गत गंगाणी गांव स्थित SBI शाखा में बुधवार सुबह 10:55 पर 2 नकाबपोश युवक ने कैशियर से 11,95,000 लूटकर भाग गए। गंगाणी गांव की SBI शाखा सुबह 10 बजे खुली। 4 ग्रामीण बैंक में कैश काउंटर पर खड़े थे। इतने में कैप पहने नकाबपोश 2 युवक बैंक में दाखिल हुए। एक युवक ने पिस्तौल से डराया धमकाया, दूसरा युवक कैश काउंटर में घुस गया जहां कैशियर पर पिस्तौल तान दी और उसके पास मौजूद करीब 11,95,000 रुपए बैग में डालकर बेखौफ होकर निकल गए। जयपुर नगर निगम हेरिटेज बोर्ड का 1 साल पूरा होने पर भले ही मेयर मुनेश गुर्जर अपनी खूबियां गिनाने में लगी हों, लेकिन भाजपा पार्षदों ने इसे 1 साल में सबसे विफल कार्यकाल बताया है। भाजपा से मेयर पद प्रत्याशी और पार्षद कुसुम यादव ने कहा कि मूक दर्शक की भूमिका में मेयर का 1 साल का कार्यकाल रहा है। इस बोर्ड में मेयर से ज्यादा विधायकों का दखल है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर विरासत के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। राजस्थान में सर्दी के मौसम का इंतजार कर रहे लोगों को अभी थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में सर्दी का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मौसम भी पूरी तरह साफ रहेगा और धूप भी तेज निकलेगी। हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। प्रदेश के मौसम की स्थिति देखें तो आज चित्तौड़गढ़, सीकर, भीलवाड़ा और चुरू को छोड़कर शेष सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। राजधानी जयपुर में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात सामने आई है। पेट्रोल पंप पर कैश से भरा बैग छीनकर कार सवार लुटेरे फरार हो गए। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस भी कार्रवाई करने के लिए तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन लूट की धारा में केस दर्ज करने की जगह उसे नकबजनी की धारा में दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच मुरलीपुरा पुलिस कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।